इस समय की बड़ी खबर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से आ रही है। मचेल माता के भक्त जो हैं वो दर्शन करके वापस लौट रहे थे, अचानक उधमपुर के मोदी ग्राउंड के पास ये मिनी बस डिवाइडर से यहाँ टकराती है और लगभग 24 के करीब माता मचेल के भक्त जो है इसमें सवार थे, जो कि माता के दर्शन करके अपने अपने घरों के लिए वापस लौट रहे थे। अचानक ये गाड़ी जो है डिवाइडर से जा टकराती है और 24 के करीब जो लोग हैं वो घायल हो जाते हैं। उन्हें इलाज के लिए उधमपुर के GMC मेडिकल कॉलेज में लाया जाता है और 4 लोगों की हालत जो है अभी भी गंभीर बताई जा रही है। जम्मू के उधमपुर से राकेश पड़याल की ये रिपोर्ट। तो दर्शन माता जी के दर्शन करके हम वापस आ रहे थे, तो बिल्कुल ठीक आए, उधमपुर के आगे थोड़ा आए तो पता नहीं क्या आगे आया क्या नहीं आया, ये हमें, हम तो पीछे बैठे हुए थे तो साथ में डिवाइडर था ना, डिवाइडर के साथ गड्डी हिट हुई तो उसके साथ गड्डी ने पलटा मार लिया। जो अपने लेफ्ट साइड पे जो जितने भी सवारी थी तो उनको चोट लगी ज़्यादा। कितने लोग थे गाड़ी के अंदर? गाड़ी के अंदर लगभग 23 बड़े थे और 2 बच्चे थे। बच्चे थे 25 के करीब लोग थे सारे? जी 25 के करीब थे। 25 करीब। तो क्या मानते हैं आपकी ड्राइवर ने कोई शराब या कुछ थोड़ी नशा थोड़ी किया था? नहीं, ड्राइवर ने नशा तो नहीं किया हुआ था, लंगर कट्ठे ही खाया ऊपर सभी ने। अच्छा। तो लंगर खा के जब निकले तो उन्होंने बोला कि अब कोई आगे लंगर सिंह नहीं है। यहाँ पर किन लोगों द्वारा पहुँचाया गया हॉस्पिटल में? फिर ये इधर के जो चौकी अफसर थे वो भी मौके पर पहुँच गए। यहाँ पर पुलिस आई थी? हाँ हाँ, पुलिस आए, मौके पर पहुँच गए तो उन्होंने फिर अपने एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस के जो ज़्यादा पेशेंट जो सीरियस थे उनको फिर उन्होंने हॉस्पिटल एम्बुलेंस के थ्रू पर पहुँचाया, तो अपनी गाड़ी पे भी उन्होंने जो 3-4 बंदे थे। कहाँ के लोग थे रहने वाले? ज़्यादा रहने वाले आप कहाँ के? जम्मू के और सांबा के। जम्मू और सांबा के थे तो जो कुछ सीरियस थे उन्हें जम्मू के लिए रेफर किया गया। हाँ हाँ।